फ्रांस यार, द होल वर्ल्ड इज सपोर्टिंग फ्रांस। क्रोएशिया में को पता भी नहीं था कहां पे है, बेसिकली हम लोग अंडरडॉग में, हम लोग खुद अंडरडॉग थे ना, लाइक पे कुछ कर दिखाना है क्रोएशिया, कम ऑन। टीम और जापान को सपोर्ट कर रहे थे, बेल्जियम ने जापान को मात दे दी, और फिर बाद में इंग्लैंड ने अपना लॉकर रूम कितना क्लीन छोड़ा था। जो कि सऊदी में हो रहा है, कतार में हो रहा है, कतार में हो रहा है, तो जो भी हो गए। सो क्रोएशिया के आई थिंक दो स्टार्स आर लुका एंड रैकेटिच। क्रोएशिया लुका वाज फ्रॉम बेल्जियम, नॉट लुकाकू, लुका, लुका मॉड्रिक, लुका मॉड्रिक इज फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड रैकेटिच इज फ्रॉम बार्सिलोना। सो दो बेस्ट टीम के बेस्ट प्लेयर्स, वेरी गुड मिडफील्डर्स। और फ्रांस तो यार इट्स अ फुल स्टार स्टडेड टीम, वर्ल्ड कप में यार मैं ऑल स्टार्स के लिए नहीं खेल रहा था, इस बार मैं ऑल स्टार्स के लिए भी खेल रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ एक्चुअली। सो ऑल स्टार्स के लिए भी बहुत जोर लगा है भाई, मैच स्टार्ट हो गया है, गाइस थैंक यू सो मच, वी विल लव यू, वी विल सी यू इन द हाफ टाइम। क्रोएशिया को ये कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आगे आई है, सो आई एम सपोर्टिंग दैट टीम। फेवरेट प्लेयर तो एज सच कोई नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू से ऑल इज गुड, बट मॉनसून का एक ही पार्ट होता है दैट आई डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क, सो या दैट इज द बेस्ट पार्ट, बट या वो आई लव रेन, सो आई एम एंजॉयिंग वेरी मच। सब लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं एक्चुअली फुटबॉल को फॉलो नहीं करता था, बट लास्ट ईयर से मैंने थोड़ा लास्ट वर्ल्ड कप से मैंने फॉलो करना चालू किया, तो इट्स ए इंटरेस्टिंग गेम। जैसे क्रिकेट में हम लोग को दोनों इनिंग का वेट करना पड़ता है, सो इट्स वन ऑफ द कंटिन्यूस गेम एंड समथिंग विच आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर, वो फ्रांस थी शुरू से, तो बीच में मैं फॉलो नहीं कर रहा था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलने लगा कि हाँ फ्रांस फाइनल तक पहुंच गई है, तो थोड़ा बूस्ट करने लगा, थोड़ा शो ऑफ करने लगा कि देखो जो मैं चाहता, तो समय कि लेट्स सी, आई एम होपिंग कि फ्रांस जीत जाए, और बाकी तो सब डिपेंड करता है।